कोविड-19 प्रतिरक्षण टीकाकरण महाअभियान के चौथे चरण का प्रदेश के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने घुमारवी के बचत भवन में शुभारंभ किया। टीकाकरण अभियान में तेजी लाने के मकसद से जिला में 49 सेंटर स्थापित किए गए हैं। शहरी इलाकों में ऑनलाइन स्लॉट बुकिंग के आधार पर तो ग्रामीण इलाकों में लोगों का मौके पर ही पंजीकरण कर कोरोना का टीका लग रहा है। बिलासपुर के घुमारवी में कोविड-19 प्रतिरक्षण टीकाकरण अभियान की शुरुआत खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने की। बिलासपुर जिला में लगभग 40% लोगों को वैक्सीन की पहली खुराक दी जा चुके हैं और अन्य लोगों को इस अभियान से जोड़ने का काम किया जा रहा है। इस टीकाकरण अभियान को सफल बनाने के लिए जिला में कुल 49 वैक्सीनेशन सेंटर्स बनाए गए हैं, जिसमें शहरी इलाकों में ऑनलाइन स्लॉट बुकिंग के आधार पर जबकि ग्रामीण इलाकों में मौके पर ही पंजीकरण कर कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है। अभियान की शुरुआत करने घुमारवी के बचत भवन पहुंचे कैबिनेट मंत्री राजेंद्र गर्ग ने वैक्सीन लगवा चुके लोगों से बातचीत की और उनका हालचाल जाना। राजेंद्र गर्ग ने कहा कि इस अभियान के तहत प्रदेश में आगामी 3 दिनों के भीतर 18 से 44 साल के लगभग 1,65,000 लोगों को कोरोना वैक्सीन लगवाने के लक्ष्य निर्धारित किया गया है, ताकि कोरोना महामारी को देश प्रदेश से न केवल खत्म किया जा सके बल्कि लोगों को भी इस वायरस से सुरक्षित रखा जा सके। कोविड-19 महामारी से बचाव के लिए जो वैक्सीन भारतीय वैज्ञानिकों ने यहाँ तैयार की है अपने देश के अंदर, उसका जो वैक्सीनेशन का कार्य चला हुआ है, पहले 45 वर्ष से ऊपर के लोगों के लिए था, अब इसके साथ साथ 18 साल से लेकर 44 साल के जो युवा हैं उनके लिए भी यह कार्यक्रम शुरू कर दिया है। और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये घोषणा की है कि देश के सभी लोगों को जो है वैक्सीन जो है वो फ्री में उपलब्ध कराई जाएगी और उनका टीकाकरण किया जाएगा। ये बहुत बड़ा ऐलान आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है, इसके लिए हम उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। हिमाचल प्रदेश के अंदर यह टीकाकरण अभियान जो है युवाओं के लिए विशेषकर आज 21 जून से शुरू हो रहा है और 30 जून तक जो है इसको पूरा करेंगे। और आज पूरे हिमाचल प्रदेश में एक साथ जो है 1,00,000 युवाओं को जो है टीकाकरण किया जाएगा, जिसकी शुरुआत आज हो गई है। सिटी चैनल के लिए बिलासपुर से विजय भारद्वाज की रिपोर्ट।